Hello friends, welcome back at my YouTube channel English World. Friends, this video is just going too much important for you all because in this video you will check yourself, analyze yourself and evaluate yourself that have you read complete syllabus of LT or not. So now you are getting just image of English language part and here is section 2 literature in English. बट यहाँ पर हम सिर्फ लिटरेचर के मेन जो हमारे सिलेबस के पोइट्री है, ड्रामा है और नॉवेल्स हैं उसको मैं इसमें कवर कर रही हूँ कि कौन कौन से राइटर्स और उनके वर्क हमें पढ़ने थे, क्योंकि अभी भी वन डे हैज़ लेफ्ट फॉर अस एंड जस्ट अपने माइंड से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने पूछा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं. डेफिनेटली देयर इज़ योर एग्ज़ाम ऑन 29th of July. सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ और इस लास्ट आर को भी बेस्ट अपने यूज़ करिए. तो उसमें आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि आप पोइट्री में हमें क्या क्या पढ़ना था और अपने आप में भी आप अपने को चेक कर लीजिए, आपने उस चीज़ को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या आप उसके पॉइंट से ओवरकम हुए हैं कम्प्लीटली आर नॉट, या कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है तो अभी भी वन डे है, उसको अपने रिविज़न कर लीजिए. और क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्या ये सिलेबस में है या कुछ सम टाइप्स ऑफ कन्फ्यूजन अगर हो माइंड में, या मे बी क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस रहा है एलटी का, तो इसको आप एक बार चेक कर लें. तो हम पोइट्री से स्टार्ट करते हैं. पोइट्री में हमें पढ़ना था शेक्सपियर्स सोनेट्स, सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आईज, एंड सोनेट नंबर 138. सोनेट नंबर 138, ये टू सोनेट्स हमें शेक्सपियर्स के पढ़ने थे. सो सोनेट नंबर 29 और सोनेट नंबर 138, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ. सो वेल, मिल्टन्स की ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की 1 to 26 लाइन्स, वन से लेके 26 लाइन्स, मतलब इट मीन्स 26 लाइन्स हमें पढ़नी थी पैराडाइज लॉस्ट की, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका सोनेट पढ़ना था. जॉन डन की कैनोनाइजेशन, पोप्स रेप ऑफ द लॉक और कॉन्टो 1 पढ़ना था. थॉमस ग्रेस द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ्स की टू पोएम्स पढ़नी थी, टिंटन एबे एंड द वर्ड इज टू मच विथ अस. पी बी शैली ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क. जॉन कीट्स की ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एंड ला बेले डेम सेंस मर्सी. टेनिशंस की ब्रेक 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 यूलिसेस और ब्राउनिंग्स की माई लास्ट डचेस और प्रोस्पाइस. मैथ्यू अर्नॉल्ड की डॉवर बीच मेमोरियल वर्सेस और डब्ल्यू बी ईट्स की द सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बेजेंटियम. टू पोएम्स इनकी सबकी हमें पढ़नी थी, जॉन कीट्स की, सॉरी वर्ड्सवर्थ्स की, पी बी शैली की, जॉन कीट्स की, टेनिशन की, ब्राउनिंग की, अर्नॉल्ड की और यीट्स की. टू पोएम्स थी. आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं. नेक्स्ट, टी एस इलियट की द वेस्ट लैंड, डब्ल्यू एच ऑर्डन्स का द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, टेड ह्यूज की पोएम क्रोएलाइट्स, फिलिप लार्किन्स की पोएम वॉन्ट्स, वॉल्ट व्हिटमैन्स की पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन, और एमिली डिकिंसन की सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ब्रिचेस एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स, टैगोर्स की फ्रॉम गीतांजलि से 11th लीव द चैंटिंग एंड 12th द फ्रूट गैदरिंग, एंड निसिम एजिकल्स की नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और फिलोसफी, कमला दास का एन इंट्रोडक्शन, रामानुजन्स ऑबिट्यूरी, सर वॉल्टर स्कॉट्स अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका. ये तो हमारा सारा पोइट्री सेक्शन है और ये इतनी हमें पोएम्स पढ़नी थी. नेक्स्ट, नाउ इट इज़ ड्रामा पोर्शन. विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, 12th Night, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 3 ड्रामा विलियम शेक्सपियर के हमारे एलटी के सिलेबस में ये हमें पढ़ने हैं थे. और नेक्स्ट, बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ड्राइडन ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शाज आर्म्स एंड द मैन, गॉल्सवर्दी जस्टिस, हेरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी. फ्रेंड्स, ये हमें जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा वर्क किस राइटर का है कन्फ्यूजन हो जाता है, तो क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा वर्क किसका है, करेक्ट मैच करिए. तो इस अगर आप इस चार्ट को देखेंगे और अच्छे से रीड करेंगे तो सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, यूजेन ओनाइल का द हैरी एप, आर्थर मिलर ऑल माई सन्स, ग्रीस कनाड हयावदना. इन दिस वे वी हैव टू रेड 9 ड्रामाज हमें पढ़ने थे, सॉरी नॉट 9, इन 11, बिकॉज 3 ऑफ विलियम शेक्सपियर्स. सो 11 ड्रामा एलटी के सिलेबस में हमें पढ़ने थे. नाउ नेक्स्ट इज प्रोज सेक्शन. प्रोज में फ्रांसिस बैकन की एसेज ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ, एडिशन के सर रोजर एट होम,
Will Wimble, Steel का The Spectator Club, Charles Lamb, Dream Children, Evie Lucas, Tight Corners, A.G. Gardner and Defense of Ignorance, ये ऐसे उनका, Bertrand Russell, The Road to Happiness, Richard Wright, ये भी ऐसे है, Richard Wright का 12 Million Black Voices, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है, डब्ल्यू एच मॉम्स द लंचियान, अनीता देसाई अ फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैंसफील्ड द फ्लाय और हैनरी ओ हैनरी का द लास्ट लीफ, ये शॉर्ट स्टोरी है, द फ्लाय द लास्ट लीफ। नेक्स्ट अब फिक्शन पर आ जाते हैं, हमारा फिक्शन का पार्ट है, फिक्शन में हमें जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये पढ़ना था, चार्ल्स डिकिन का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, थॉमस हार्डी द मेयर ऑफ कैस्टरबी, जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म, ये सारे नॉवेल्स हैं फ्रेंड्स, वुल्स वर्जीनिया वुल्स का मिसेस डालोवे, विलियम गोल्डिंग लॉर्ड ऑफ द फ्लीज, नैथियल हथॉर्न का द स्कारलेट लैडर, हमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, स्टेनबैक्स का द ग्रेप्स ऑफ रैथ, राजा राव कांथापुरा एंड आर के नारायण द बैचलर ऑफ आर्ट्स, कमला मार्कंडिया टू वर्जिन्स एंड चिनुआ अचेबेस थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ अचेबे का थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ना था इन दिस वे। सो फ्रेंड्स रिवाइज योर सेल्फ एंड जस्ट इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स एंड रिमेन कीप विथ मी।